अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का हमारा व्लॉग है एयरपोर्ट का। हम जाएंगे एयरपोर्ट और उसको करेंगे एक्सप्लोर। और क्योंकि हमारी मेरी मम्मी जा रही है उमड़े पे, उनको हमने रिसेप्ट भी करना है और वो बहुत ही खास हैं बिकॉज वो उस्मान की मम्मा है। हमने उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम जाएंगे एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हुए उनको रिसेप्ट भी करेंगे। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। रास्ते में आपको पैकेजेस मॉल भी देखने को मिलेगा डिफेंस में जाते हुए। और ये फाइनली हम लाहौर कैंटोनमेंट रोड पर पहुँच चुके हैं। और रस्ते में एक और चीज़ आपको बड़ी अमेजिंग देखने को मिलेगी, ये पुल बाइकर्स के लिए बना है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं तो उनके लिए ये पुल बनाया गया था। फिर हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे। यहाँ पे आपको पार्किंग मिलेगी, आपने सी लाइन की यहाँ पे लाइन होगी, सी लाइन वहाँ से आपने पार्किंग करनी है अपनी। और ये हमारा आ गया है एयरपोर्ट इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। तो हमने पीछे अपनी बाइक खड़ी कर दी है, अभी हम अंदर जा रहे हैं। उस्मान भाई से मैंने लाइव लोकेशन मंगवा चुका हूँ, तो अभी उसको देखते हुए यहाँ से एंट्रेंस करेंगे और अंदर जाएंगे और साथ साथ आपको सारा एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या सीन है अंदर। फ्रंट व्यू ऑफ इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी लोग वगैरह आते जाते रहे हैं तो उनके फूल वगैरह जो सेलिब्रेशन करते हैं आते हुए। तो अभी शाम का टाइम है, 12 बज रहे हैं, इसलिए इतना यहाँ पे रश वगैरह भी नहीं तो है। बहुत मतलब खूबसूरत है, मतलब बाहर के जो हैं वो अलग ही हैं, वो तो फिर लेवल है ना। तो यहाँ पे भी एंट्रेंस करते हैं और उस्मान भाई को कॉल करके बुलाते हैं। उस्मान भाई रखा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। अच्छा उस्मान भाई, हमें बताएं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो चाह रहे हैं कि उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो पता चले कि मतलब एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनको क्या खर्चा वहाँ पे जाने का होता है। सऊदी अरब आपकी मम्मा जा रही हैं तो आप थोड़ा सा बताएं इनको क्या सीन है। फिलहाल मुझे खर्चे का नहीं पता क्योंकि एक रुपया भी नहीं लगाया मैंने। तो इसमें टोटल कितना खर्चा मतलब आ रहा है कि वहाँ पे रहने का, रिहाइश का और 28 दिन गुजारने का और फिर ये सारा खर्चा? वहाँ ना मामू लोग उधर हैं तो इसलिए कोई रिहाइश वगैरह ना उनकी तरफ से अपनी है। इतने आज ब्रश क्यों नहीं किया मुझे ये बता। कौन है पेश नहीं दी है। और जो भाई बोल रहा उसने भी नहीं किया। ये सारे भी बस हुसैन भाई अभी यूनिवर्सिटी से आए हैं तो काफ़ी उनकी कंडीशन इतनी नहीं ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। मुंह धो लो आपने सुबह से, मुंह धो। हाँ जी, वो वैसे ही घर से निकला था तो सोया उठा। तो आपको किसी ने शर्ट इसलिए करके नहीं दी? नहीं, उस्मान भाई इनको मैंने बोला था इसलिए करते, इसने सूखी सूखी इसलिए मार दी थी, बस सूखी सूखी नहीं पूरी गीली गीली मार। आउटडोर एरिया का एक कंप्लीट व्यू है ये, जहाँ पे आप लोगों की चेकिंग होगी जब आपने जाना हो कहीं पे भी, तो ये आपकी यहाँ पे चेकिंग होती है। और अभी हमने अपने बैग वगैरह रेडी कर लिए हैं और उस पर हमने अपना नाम शाम लिख लिया ताकि बाद में हमें ढूंढने में आसानी हो, ये उसका हमने मैं आपको दिखा देता हूँ। और अभी इसको हम पैक शेक कर लिया, अच्छे से ताले शाले लगा लिए। अभी हमारे आंटी वगैरह जा रहे हैं तो अभी उन चेकिंग वगैरह के लिए दे दिए, सारे मिल लिया सबसे, तो अभी वो जाने लगे हैं और इनकी चेकिंग हो रही है। सिक्योरिटी गार्ड भाई चेक कर रहे हैं सारा, उनकी डिटेल वगैरह, पासपोर्ट, टिकट और वीज़ा जो सारा कुछ होता है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर हो गए हैं। यार कोई गल नहीं, आज मैं ना कुछ नहीं हुंदा, डरोईदा नहीं है, आ जाएंगे छेती आ जाएंगे। ओके देख, इजी है ना, पक्की गल है। चल रो ना, मेरी गल सुन, रो ना, चल रो ना, ठीक है। तो गाइस यहाँ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। सब लोग जा रहे हैं वापस अपने अपने घर, वो भी जा चुके हैं, बोर्डिंग उनकी क्लियर हो गई है, अभी हम सारे जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।